खड़े ही होगे। तो गाइज हम जा रहे हैं गोवा, और अभी मौसम है बारिश का, मॉनसून का। जनरली लोग अवॉइड करते हैं मॉनसून में बाहर जाना, पर मेरी राय में मॉनसून में ही इंडिया सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। खैर, खूबसूरत तो सभी सीजन में है, पर हमने मॉनसून इसलिए चूज किया क्योंकि गोवा ऑब्वियस यार बारिश में ऑफ सीजन होता है वहाँ पे, है ना। चीजें सस्ती होती है, होटल सस्ता होता है, रहना खाना सस्ता होता है, और ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है ना। घूमने का घूमना हो जाएगा और पैसे भी कम खर्चे होंगे। अभी गोवा में पिछले 4-5 दिनों से बारिश हो रही है लगातार। अभी हमने वेदर रिपोर्ट देखा हुआ है, तो अगले 7-8 दिनों में बारिश कम होगी। आई विश कि बारिश कम हो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो स्पॉट है वो कवर कर पाए, घूम पाए और आप लोगों को दिखा पाए। तो गाइस हमने ये डिसाइड किया है कि हम पहले जाएंगे राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में है और पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम पहले वहां जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे और फिर वहां से जाएंगे हम डायरेक्टली गोवा। तो चलते हैं गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो। ये अपनी धनुन आ रही है, ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं निकलने के लिए गोवा। मैं अच्छे से धो, एक भी दाग नहीं होना चाहिए। ओ भाई, फाइनली गोवा इज ऑन, वेरी गुड। नीचे नीचे नीचे, उधर गोबर लगा, उधर उधर खदेड़ के निकाल ऐसे। बस ये गाड़ी धुल जाए, उसके बाद आज क्या क्या काम है हमको, छोटे मोटे शॉपिंग करना है नहीं, और फिर आज शाम तक निकल पड़ेंगे अपनी मंजिल के लिए। सिम्बा के लिए मेरे को पेडिग्री भी लेना है। अपनी धन्नू हो गई रेडी, हम निकल चुके हैं गोवा के लिए, और जाते जाते हम सिम्बा के लिए सोच रहे हैं कि पेडिग्री लेते हुए चले। टाइम हो रहा है 8:33, चलिए चलते हैं और सिम्बा के लिए लेते हैं, कुछ एक आध गिफ्ट ले लेंगे और पेडिग्री लेते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, पांडे जी का बर्थडे आज है ना, जिनके लिए हम केक लेने जा रहे हैं। देखते हैं और लेते हैं केक। कौन सा ले रहा है भाई? कौन सा ले रहा है भाई? सबसे अच्छा ये बढ़िया सा लग रहा है ये है, इस साइड है ना भाई। आ जा, कहाँ लेना है? अरे ये लेना क्या, ये लेना क्या, ये नहीं नहीं ये छोटा नहीं है, छोटा क्या करेगा भाई, वही ले। हमने ले लिया केक पांडे जी के लिए, और फिर निकलते हैं अब सिम्बा के लिए, लेते हैं अपन पेडिग्री और फिर निकलते हैं डोंगरगढ़, नहीं राजनगांव मेरे घर, उसके बाद फिर चलेंगे। गोवा इज ऑन। अभी कैमरा थोड़ा सा वो आ रहा है भाई, ब्लर आ रहा है, ये बस साफ करना पड़ेगा। अरे लाए क्या 3 केजी आने वाला है भाई, आने वाला है। मैं तो आपको बोला था 1 घंटा लगेगा। ठीक है ठीक है भैया, लेट हो जाएगा, अपने को निकलना है बाहर। फाइनली सिम्बा का पेडिग्री आ चुका है, अब हम इसे लेंगे और निकलेंगे अपने सफर पे। Finally, we got the food of baby Simba. भाई साहब इसको फ्री में मांग रहे हैं, इतने घर की दुकान है। भाई इनको लगी भूख, इसको लगाना है फ्यूल, डला रहे हैं भाई। हाँ देखो भाई, फूल
लेवल 5000 क्रॉस हो गया भाई, दिल बढ़ता हुआ। पहला खर्चा हमारे गोवा का, खर्चा हमारा गोवा का। ठीक है ना, हो गया ना भाई फाइनल? कितने का हो गया? 5500। आंटी दे दी है पैक करके, हम लोग खड़े घंटे से बाहर। घर पहुंच गए सिंबू। सिंबू 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 ये है सिंबा की मदद। क्या बेटा? ये सिंबा की मम्मा। अले सिंबा। ये है भाई सिंबा। दिखा, अच्छा लगा कि ना? ना ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़। यहां से अपने एक दोस्त को उठाएंगे, पांडे जी को, और फिर निकलेंगे अपनी मंजिल की। ओ शायद आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से मंदिर। हम पांडे जी के यहाँ पहुंच गए। जिगरी हमारा एक दोस्त भाई, हमारा फ्लैश डाटा वाला कहने। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। मिल लेते कहाँ है पांडे जी से। आ जा पर इधर। ये हमारे घनिष्ठ मित्र पांडे जी, हैप्पी बर्थडे भाई। लोके खाओ। गोवा इज ऑन, लेट्स गो। फाइनली हम निकल चुके हैं भाई गोवा के लिए। वी आर सो लेट। ठीक है, टाइम का, टाइम का बहुत पंचुअल है ना। बकू क्या तेरे को? भाई तुम लोग की पैकिंग चल रही है, डेढ़ घंटा तू लेट किया। मैंने तो मैंने से तुम लोग की पैकिंग चल रही है। मैं आधे घंटे में पैक किया, आधे घंटे में सब पैक किया। मैं बहुत फास्ट थी ना, मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। तुम लोग भी बेटा अभी कंप्लीट किए होगे। अपना पहुंच गया भाई अपन हाईवे चौपाटी। ये भाई का केक जा रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे अपने पांडे जी का। और पांडे जी कैसा लग रहा है बताइए? बस बढ़िया लग रहा है, जा रहे हैं, देखते हैं आगे। ठीक है चलो। भाई का केक निकल रहा है, सुनो कुछ खा ले भाई। पांडे जी के बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पांडे जी। क्या कर गया? और यहाँ पे हमारे देवाशीष जी हो गए फेल। फेल हो गए। अभी तो ऐसी सड़क ही नहीं आएगी नागपुर तक, क्रूज भी चलता है। सुबह के 4 बज गए हैं दोस्तों। देखो कितना कोहरा है यहाँ पे। ओ भाई कहाँ पहुँचे हम लोग अभी? कोई आइडिया है क्या? अमरावती पहुँचने वाले हैं। अमरावती पहुँचने वाले हैं। टाइम भी भाई 4 बज रहे हैं। हमारे सभी पैसेंजर डरे हुए। और कुछ
विजिबिलिटी लगभग 10 मीटर की रह गई है अभी, और जैसे जैसे हम बढ़ते आ रहे हैं विजिबिलिटी एकदम 2 मीटर 3 मीटर की होती जा रही है धीरे धीरे। देखो गाइस कितना कोहरा है। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।